अमेठी। नगरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री ने की जनसुनवाई, अधिकारियों को किया निर्देशित। जोधपुर नगरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता एवं समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय है कि प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्या का समाधान हो और उन्हें राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। नगरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की परियोजनाओं को सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सर्किट हाउस में जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में जोधपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आमजन की जनसमस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी गंभीरतापूर्वक कार्य करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, जनप्रतिनिधि, उच्च अधिकारी सहित बड़ी संख्या में आमजन फरियादी मौजूद रहे हैं। अभिषेक सैन, जोधपुर संभाग, सीनियर संपादक, वंदे भारत न्यूज। मैंने शब्द उपयोग नहीं किया, कम कपड़े पहन करते हैं ऐसा लगता है जिसे अर्थनग्न है। मैंने ये नहीं कहा अर्ध नग्न आते हैं। उसके पीछे भाव क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं भाव ये कहना चाहता हूं कि अपन अच्छा पहन के आएंगे और सच बोलेंगे। मैं तीन चार बातें कही थी, मैं आपको पूरा सुना देता हूं। तो परिवार में भी रहता है और कुछ घंटे, जैसे 7-8 घंटे वो विद्यालय में रहता है, तो माँ बाप को भी उनके सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और शिक्षकों को भी अपने आप को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि वो संस्कार ले सके। कोई शिक्षक लेट आता है और वो कोई जब उनसे पूछता है तुम कितने बजे आए, तो आप सही समय आओ, तो बच्चे तो देख रहे हैं, उनको लगता है कि झूठ बोलने से बचाव हो जाता है। ऐसे ही हमारी यदि दृष्टि ठीक नहीं है तो बच्चे सब देखते हैं, और बोलचाल ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, यदि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हम हमारा वस्त्र ठीक पहन के नहीं आते, कम पहन के आते हैं, जैसे ऐसा लगे कि जो ऐसा लगे कि जैसे आधे कपड़े पहने रहे, आधा बदन दिख रहा है, तो उससे बच्चों पर संस्कार नहीं पड़ेंगे। अपने आप को संस्कार देने के लिए अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। अभी हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन परंपरा है कि हम विद्यालयों में ऐसे कपड़े पहन के जाए जिनसे ठीक लगते हों, बच्चों को कुसंस्कार न हो, इस प्रकार के, ताकि वह